अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको छोटी बेबी है ये 5 से 6 ईयर बेबी का यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेने का तरीका बताऊंगी। तो ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए आराम से आ जाएगी कुर्ती। तो इसका नाप कैसे लेते हैं अक्सर लोगों को नहीं आता है, तो अब हम आपको बहुत इजी तरीके से इसका नाप लेने का तरीका बताएँगे, फिर हम कपड़े पर इसकी कुर्ती भी कट करेंगे। तो सबसे पहले जब हमको नाप लेना होता है कुर्ती का, तो इस तरीके से अच्छे से इसको इस तरीके से बिछाना है। देखिए अच्छे से इसको इस तरीके से बिछाएंगे। बिछाने के बाद देखिए हम एक यहाँ पे एक पेपर और पेन भी लेंगे इस तरीके से। अब हम अपना टेप लेंगे मेजरमेंट करने का। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से जो शोल्डर का हिस्सा रहता है ऊपर का, यहाँ से इसको इस तरीके से रखते हुए नीचे तक देखेंगे। ये देखिए ये हमारा 24, इसकी लेंथ है 24। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 20, 25, 26 अगर आपकी बेबी थोड़ा लंबी है तो। अगर आप थोड़ा शॉर्ट भी पहनाना चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तो 24 हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो लेंथ को इस तरह से लिख लेंगे, लेंथ है 24। 24 होने के बाद अब हम देखिए सेकंड हमको यहाँ पे लेना है। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से भिगा, इस तरीके से आपको फैलाना नहीं है कुर्ती को, जो भी मेजरमेंट आप लेंगे तो फैलाना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम इसको इस तरीके से आराम से अच्छे से रखना है। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से रखने के बाद, ये शोल्डर का जो यहाँ पे जो हिस्सा रहता है देखिए कटिंग का, यहाँ पे जो स्लीव्स अटैच रहता है, तो यहाँ से इस किनारे तक लेंगे, जो दोनों स्लीव्स के यहाँ पे देखिए जो सिलाई रहती है यहाँ तक। तो अब हम इसको यहाँ तक लेंगे, ये देखिए 8 इंचेस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम शोल्डर का लिखेंगे 8 इंचेस। अब हम यहाँ पे इस तरीके से टेप को रखते हुए, ये देखिए हमारा बगल का नाप आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से रखना है टेप को, यहाँ से रखते हुए ये देखिए सीधा हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देखिए ये बगल आ रहा है 4 इंचेस पे, सीधा रखा है हमने देखिए। तो यहाँ पे हम बगल का नाप लगाएंगे, ये 4 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट को देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से इस किनारे तक, ये देखिए जो हमारा यहाँ पे बगल का जो नीचे का हिस्सा है इसको हम यहाँ पे नापेंगे। ये देखिए इस तरीके से टेप को रखेंगे, ये आ रहा है हमारा 39.5। देखिए 39.5, 13.5 आ रहा है। जितना आपका आएगा उतना ही आपको लिखना है। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे होने के बाद अब हम यहाँ पे जो ये कमर की गोलाई का हिस्सा है हम यहाँ का नाप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टेप को यहाँ तक रखेंगे, ये देखिए हमारा 8 पे आ रहा है 8 इंचेस। देखिए जो ये इस तरीके से जो गोलाई का हिस्सा रहता है, कमर की लंबाई इसको कहते हैं, कमर की लंबाई, तो वेस्ट लेंथ 8 इंचेस आ रहा है, इसको वेस्ट लेंथ भी कहते हैं। अभी हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी ये देखिए ये ऊपर आ रहा था 13.5, तो अब यहाँ पे आएगा ये 12.5। देखिए यहाँ पे 12.5 है, कि अगर बच्ची अगर दुबली पतली भी हो तो कम भी हो सकता है, आप अपने कुर्ती के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपकी कुर्ती जितना आपका साइज़ बता रही है उतना ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर 12.5 हमारा आ रहा है, तो ये हमारी कमर की जो चौड़ाई है 12.5 है। अभी देखिए अब हम ऊपर से टेप को फिर से इस तरीके से रखेंगे। देखिए यहाँ से रखते हुए चाक की लंबाई, देखिए जहाँ पे ये चौक बैठ रहा है ये आ रहा है 13 इंचेस, 13.5 पे आ रहा है 39.5। हिप लेंथ कहते हैं, हिप लेंथ 39.5, या आप 13 भी रख सकते हैं। अब हम
देखिए हिप का चौड़ाई नापेंगे, तो इस चौक से इस चौक तक जो चौक देखिए जो खुला साइड रहता है चौक का, इस साइड से इस साइड तक नापेंगे। ये देखिए इस तरीके से नापना है। ये आ रहा है हमारा 49 हाफ, हिप की चौड़ाई है 49 हाफ। अब हम नीचे का दामन नापेंगे। अगर आप चाहे तो अगर आपको स्ट्रेट दामन रखना है, जितनी आपकी हिप है आप दामन भी उतना ही रखें। अगर आपको दामन चौड़ा चाहिए तो आप दामन चौड़ा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस दामन को यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है, ये भी 49 हाफ। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पे दामन है हमारा 49 हाफ। देखिए 49 हाफ हमने दामन का भी लिख लिया है। अब हम लिखेंगे आस्तीन की लंबाई। देखिए आस्तीन की लंबाई हाफ़ भी हो सकता है, यहाँ पे फुल है तो हम फुल का ले रहे हैं। अगर आपके हाफ़ है, जहाँ तक आपके आस्तीन आ रही है इतना भी हो सकता है बेबी का आस्तीन आपका, तो आप उतना ही लें जितना आपके आस्तीन की लंबाई आ रही है। यहाँ पे हमारा इतना लंबा है तो हम इसी का नाप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नापेंगे। ये देखिए ये 11 इंचेस आ रहा है, 11 आस्तीन की लंबाई 11 इंचेस। अब नापेंगे आस्तीन की चौड़ाई। ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है हमारा 3 हाफ, 3.5 इंचेस आ रहा है। तो आस्तीन की जो चौड़ाई है 3.5 इंचेस है। अब हम गले का नाप लेंगे, तो इस तरीके से इसको रखना है। देखिए गले की चौड़ाई को किस तरीके से नापते हैं, यहाँ पे टेप रखेंगे जो गले का ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए 4 इंचेस आ रहा है, गले की चौड़ाई है 4 इंचेस। फ्रंट नेक ये 4 इंचेस हमारी चौड़ाई आ रही है। अब हम गले की लंबाई लेते हैं। ये देखिए गले की लंबाई भी 4 इंचेस है, लेंथ भी 4 इंचेस है। इस तरीके से हमने रखा है, चौड़ा भी 4 इंचेस है, लंबाई भी 4 इंच, इस तरीके से हमने लिखा है। अब बैक नेक का नाप लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक नेक का चौड़ाई उतना ही रहता है लेकिन लंबाई में फ़र्क रहता है। देखिए ये 4 इंचेस लंबा यहाँ पर है, ये देखिए ये छोटा है। देखिए पीछे हुक के लिए इस तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। आप अपने कुर्ती के पीछे का गला कितना है आप उतना ही लें। तो यहाँ पे हम जितना आ रहा है उतना लेंगे। ये हमारा 2.5 इंचेस पे आ रहा है। ये बैक नेक चौड़ाई तो 4 इंचेस ही रहेगी दोनों के बीच की, फ्रंट नेक की और बैक नेक की। सामने का और पीछे का गला चौड़ाई में सेम रहेगा, ओनली लंबे में कम रहेगा। आप देख सकते हैं सामने का बड़ा है पीछे का छोटा है। बड़ों का कैसा रहता है, देखिए सामने का कोई कम पहनते हैं पीछे का लॉन्ग पहनते हैं, तो वो अपने हिसाब से रहता है। यहाँ पे जितना है हम उतना ही लिखेंगे। ये लंबाई है 2.5 इंचेस गले की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नाप लिख लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी बेबीज़ के लिए किस तरीके से नाप लिया जाता है। तो फिर से आपको एक बार दोहराती हूँ, देखिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ से इस तरीके से टेप को रख के लंबाई ली, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने इस ये देखिए ये जॉइंट जो यहाँ पे आस्तीन जॉइंट हुआ है यहाँ से इस जगह तक, तो ये शोल्डर लिया हमने। उसके बाद पहले लंबाई फिर शोल्डर, उसके बाद बगल की लंबाई लिया है। इस तरीके से सीधा टेप को रखते हुए बगल की लंबाई लेना है। उसके बाद चेस्ट लेना है यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चेस्ट का हिस्सा है। चेस्ट के बाद फिर हमने लिया कमर की लंबाई यहाँ से ऊपर से यहाँ तक। देखिए जो आपका यह हिस्सा गोलाई में यहाँ पे इस तरीके से जो शेप आएगा ये कमर की लंबाई का शेप रहता है। तो यहाँ से ऊपर को इस तरीके से टेप को यहाँ से सीधा रखेंगे और ये जो शेप की लंबाई है वो लंबाई का नाप लिया हमने, फिर इसकी चौड़ाई का नाप लिया। उसके बाद हम टेप को यहाँ से फिर से रखा और यहाँ पे जो चौक रहता है चौक की लंबाई का हिस्सा रखा, हिप की लेंथ, उसके बाद हिप की चौड़ाई यहाँ से इस कॉर्नर तक हिप की चौड़ाई हो गई। उसके बाद हमने दामन की चौड़ाई ली।
उसके बाद हमने ली आस्तीन की लंबाई। देखिए आस्तीन की लंबाई कहाँ से आती है, यहाँ से यहाँ तक आस्तीन की लंबाई। फिर आस्तीन की हमने चौड़ाई ली, फिर हमने लिया नेक की चौड़ाई, गले की चौड़ाई, फिर हमने गले की लंबाई, सामने के गले की लंबाई, पीछे की गले की लंबाई। सामने की गला और पीछे के गले में थोड़ा डिफरेंट रहता है, पीछे का गला छोटा है सामने का बड़ा है, लेकिन चौड़ाई में उतना ही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको मेजरमेंट लेने का तरीका बताया, और हम इसकी कटिंग की वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आज की मेरी पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।